एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूंगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की महिलाओं के प्रति कुछ ऐसे विचारधारा है कि अगर महिला छोटे कपड़े पहनती हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ, तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। ये हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और ये हैं उनके विचारधारा। इस वीडियो में आप पूरी बात सुनिए। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ दो तीन जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था, तो मानो सब ने एक दो मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने बेटी को, लेकिन जहाज में जब बैठा था तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, हस्बैंड कहाँ है, जीएनयू में प्रोफेसर है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एनजीओ चलाती हूँ, एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूं, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूं। तो देखा आपने किस तरीके से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री महिला के घुटने पर और कपड़ों पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। ये है फैक्ट मीडिया की रिपोर्ट।